अस्सलाम वालेकुम आइडियल जट्टी में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको मेटा टैग्स और लिस्ट आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो एचटीएमएल में मुसलसल यूज होने वाली हैं। तो आप अपना कोड एडिटर खोल लीजिए। इसमें मैंने पहले ही ये कोड इनपुट किया हुआ है, बॉयलर प्लेट पहले इनपुट ही दी है। तो मैंने यहाँ से जो हेड में मेटा टैग्स आ रहे थे उनको कट करके मैंने बॉडी में लगा दिया ताकि आपको समझा सकूँ। पहले कमेंट लिख दिया और ये आपको आपके सामने पांच टैग्स नज़र आ रहे हैं। ये पांचों के पांचों मेन टैग्स हैं और इनके मैंने कमेंट भी लिख दिए हैं। अब ये जो आपको पहला जो टैग नज़र आ रहा है, ये जो पहला टैग है जिसके ऊपर चार शेट लिखा हुआ है, मेटा आपको डालना ज़रूरी है लेकिन इसकी क्लोजिंग नहीं होगी। कुछ एचटीएमएल टैग्स में, कुछ एचटीएमएल एलिमेंट्स में ओपनिंग होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट ऐसी है। अब मेटा टैग आपको ज़रूर लिखना है लेकिन जो उसकी वैल्यू जो असाइन की गई है ब्राउज़र को। अब ये जो चार सेट होता है उसको कहते हैं करेक्टर सेट। करेक्टर सेट अगर आप इसमें माउस ओवर लेके जाएंगे तो ये आपको खुद ही बता रहा होगा, जब आप ब्राउज़र में कोई भी सर्च इंजन के लिए कीवर्ड्स डालेंगे जो लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड होंगे, अगर किसी को कंटेंट राइटिंग आती है ना तो वो समझ जाएगा कि क्या होता है ये। अगर किसी को सर्च इंजन आती है, अगर उसको ऑन पेज सर्च इंजन अप्लाई करनी है तो उसको ये टैग ज़रूर लाजमी लगाना है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस में लगा हुआ आता है तो इसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। ये लेकिन ये आपको कोड एडिटर में लगाना लाजमी है। अब दूसरी चीज़ है व्यू पोर्ट। तो मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है, इट्स अप्लाई ऑन वेब पेजेस व्यू पोर्ट अकॉर्डिंग टू हाइट और व्यू एरिया। व्यू एरिया कौन सा? रेजोल्यूशन। अब रेजुलेशन क्या है? ये जो व्यू पोर्ट है, अगर हम व्यू पोर्ट अप्लाई नहीं करेंगे, मसलन के तौर पर हमने यहाँ पे एक इमेज अप्लाई कर दी और उसके नीचे हमने पैराग्राफ डाल दिया, अब जब हम उसको एंटर करेंगे ना वो पैराग्राफ थोड़ा सा डगमगा रहा होगा जब तक हमने ये वाला टैग नहीं डालेंगे, क्योंकि उसका व्यू पोर्ट बिगड़ा हुआ है। अगर हम उसकी हाइट छोटी करेंगे, उसकी बड़ी हाइट करेंगे, यानी कि उसकी रेजुलेशन हाई कर देंगे, हमारी जो रेजुलेशन बाय डिफॉल्ट से सेट हुई है वो 100% पर सेट हुई है, वेट 100%, हाइट 100%। अगर हम उसकी ब्राउज़र की जो रेजोल्यूशन होती है उसको बढ़ाएं तो वो खुद ब खुद छोटा होता जाएगा और उसका जो फ्लैक्स है ना, फ्लैक्सनेस यानी कि थिकनेस, वो थोड़ी की थोड़ी हटके रह जाएगी। यानी आपकी इमेज कहाँ, आपका पैराग्राफ कहाँ, आपका पैराग्राफ राइट साइड पे जा रहा है, आपकी इमेज लेफ्ट साइड पे जा रही है, कभी सेंटर में आ रही है, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट सेट नहीं हुआ। अब ये जो टैग आता है ये पूरा का पूरा ये है, क्योंकि हमें नेम में उसका व्यू पॉइंट लिखना पड़ता है और कॉन्टेंट उसका लाजमी बताना है क्योंकि हमें तो ब्राउज़र में अप्लाई करना है। विड्थ हो गई, अब विड्थ की डिवाइस बतानी है, डिवाइस विड्थ पूरी की पूरी विड्थ, यानी कि डिवाइस ले ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स सफारी जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वो चीज़ें लें, पूरी की पूरी वो चीज़ें लें। और उसकी इनिशियल स्केल बतानी है, इनिशियल स्केल यानी दरमियानी। आप यहाँ पे मैक्सिमम भी अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम किसके लिए, जो आप मैक की विंडो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, जो मैक हो गया, एप्पल के जो हो गए, उसमें ये मैक्सिमम अप्लाई होगी। अभी तो मैं लैपटॉप पे हूँ, डेस्कटॉप पे होता तो मैं इनिशियल अप्लाई करता क्योंकि मेरा स्मॉल है। आपको ये समझ जाना चाहिए मैंने क्या बताया है। अब आ जाएं तीसरे पे। अब ये तो आपको पहले समझ जाना चाहिए क्या लिखा हुआ है, रिलेटेड टू सर्च इंजन बेस्ड ऑन SEO। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उस पर अगर SEO अप्लाई करनी है तो आपको ये दो मेटा टैग्स अप्लाई करने ज़रूरी हैं। कीवर्ड तो आपको वैसे ही डिस्क्रिप्शन और आर्टिकल्स में डालने हैं, पैराग्राफ में डालने हैं, उसके अलावा ये मेटा टैग आपको इनपुट करना है। इनपुट कैसे करना है? क्योंकि आपको नेम डिफॉल्ट अप्लाई करना है, कीवर्ड कंटेंट उसका बताना है, कंटेंट में आप यहाँ पे कीवर्ड्स डालेंगे जो लो कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स हैं, और ये जो कंटेंट जो करेगा ये आपके गूगल कीवर्ड यानी वेब मास्टर पर चढ़ा दिए जाएंगे ताकि आपका कॉन्टेंट डिस्प्ले हो सके, ताकि आपका कॉन्टेंट मैदान में आ सके। और दूसरी चीज़ ये कि आपका जो आपने जो आर्टिकल लिखा है, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, किसी पर भी लिखा है, तो उसका आप कॉन्टेंट बताएंगे यानी डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब कॉन्टेंट व्यूज लिखा है तो मैं यहाँ पे कॉन्टेंट यानी डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा हूँ, हाउ टू गेट व्यूज, तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। लेकिन इसमें भी आपको कीवर्ड ऐड करने, लेकिन ये कॉमे में आप नहीं करिएगा, कॉमे में आपको ऐसे करना है, सही है, ये आप समझ जाएँ। अब चौथी चीज़ बल्कि पांचवी चीज़, आखिरी चीज़ ये कि ब्राउज़र कंपेटेबल सपोर्ट। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ख़ुद ब खुद HTML डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ ये ब्राउज़र सपोर्टेबल है, बल्कि तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कोई तुक नहीं लगती है, इसको लेकिन अप्लाई करना पड़ता है, ये व्यू पोर्ट के साथ ही अप्लाई होना पड़ता है। अब कुछ कोड्स ऐसे होते हैं, मसलन के तौर पर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं
जो दूसरे ब्राउजर्स में अप्लाई नहीं होते, तो उनमें से ये एक आपको ये अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि मेटा टैग आपको अप्लाई करने हैं। ये कंपलसरी है। करेक्टर सेट, व्यू पोर्ट, अगर आप वेब डिजाइनिंग करने हैं तो ये तीनों कोड आपको लाजमी डालना ज़रूरी है। अगर आप कोई थीम डिज़ाइन कर रहे हैं वर्डप्रेस की वगैरह जो भी, तो ये पांचों के पांचों टैग्स आपको डालने हैं विद ऑथर डिस्क्रिप्शन। ऑथर का अलग एक मेटा टैग आता है। सही है, आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया है। अब इसके अलावा मैं आपको लिस्ट आइटम्स के बारे में बताता हूँ। लिस्ट आइटम्स क्या होती हैं, अब इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ हेड में। असल में ये हेड में पेस्ट होंगे, हेड में। यहाँ कोई इशू नहीं अगर आप कमेंट वहाँ पे डाल देंगे। अब मैं आपको लिस्ट आइटम्स के बारे में बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम्स, वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो कैसे डोनेट किए जाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो यूएल से डोनेट किया जाता है। ये देखें साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है, द यूएल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स वेयर द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज वेयर चेंजिंग द ऑर्डर विल नॉट मटेरियली चेंज द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, इसमें बुलेट चल जाएंगे। अब देखिए हमने यूएल डाला, हमें अंदर लिस्ट का डेटा डालना है। लिस्ट का डेटा डालने के लिए आपको एल आई का टैग डालना जरूरी है, एल आई शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब हमने यहाँ पे डाला, अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, होम डाल दीजिए, इसको पेस्ट करके नीचे। और बाय द वे जो मैंने किया है ये कैसे किया है कि मैंने इस पर पूरा माउस ओवर ले लिया, अल्ट शिफ्ट डाउन करते जाए, ये आपका आता रहेगा। आप कंट्रोल एस से सेव कीजिए। अब आप अपना ब्राउजर खोलें, ये देखिए ये आपके बाय डिफॉल्ट बुलेट सेल्स हैं, क्योंकि इसमें कोई हिसाब किताब है ही नहीं, सीक्वेंस वाइज का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट किससे डोनेट होगी, ओ एल से, ये आपको बता रहा है। अब ये यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से चलेंगी, 1 2 3 4 जो नुमेरिकली जो चलती आई है वो चलेगी। इसमें भी लिस्ट डेटा डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे वही चीज़ हम एंटर करेंगे जो ऊपर हमने जो एंटर की है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ये देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान है। आप ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ये छलकानी कर सकते हैं कि हम इसके नंबरिंग के साथ छलकानी कर सकते हैं। अगर आपको रोमन के साथ लिखना है तो यहाँ पे ओ एल पे आएंगे, तो यहाँ पे हम इसकी टाइप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 पे सेट हुआ भाई ये। अगर आपको रोमन में सेट करना है तो आई लिख दीजिए खाली, तो यहाँ पे ये रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे कैपिटल आई लिखेंगे तो ये कैपिटल में आएगा सारा, कैपिटल ए। ये देखिए अब ये अल्फाबेटिकली चलेगा, सॉरी सॉरी, अब ये अल्फाबेटिकली चलेगा। अब ये जो शॉर्ट कीज जो आ रही है, शॉर्ट टेक्निक जो आ रही है, यानी ए कैपिटल ए आई आई, ये बाय डिफॉल्ट इसमें हुआ है। अगर आप कैपिटल बी लिखेंगे ना ये नहीं पड़ेगा, ये उठाएगा भी नहीं, बल्कि ये देखिए ये बार वहीं पर वो रिपीट कर दिया इसने, ये बाय डिफॉल्ट बनकर सेट है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों यूज होता है। अगर आपको कोई पैराग्राफ में लिस्ट डालनी है तो डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसकी भी हम कैंसिल कर सकते हैं लिस्ट आइटम्स वगैरह। लेकिन इसकी लिस्ट आइटम हम चेंज भी कर सकते हैं, इसके हम बुलेट शेल्स हटा भी सकते हैं सीएसएस की मदद से। लेकिन ये क्यों यूज होते हैं, ये आपने देख सकता होगा मैंने होम होम क्यों लिखा है। इससे हम नेविगेशन बार सेट कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू जो ऊपर आ रही पट्टी आ रही होती है, जैसे हमने ये देखें ब्राउजर की जो पट्टी आ रही है ये ऊपर, ये देखें फाइल आ गई, ये आ गई, ये पूरे को पूरे नेविगेशन चल रहा है, ये नेविगेशन है। ये राइट ये लेफ्ट साइड में जो आपको नजर आ रहा है ये नेविगेशन है। अब वेबसाइट के यहाँ पे ऊपर एक टॉप पे जो होती है ना, यहाँ पे लोगो लगा होता है, यहाँ पे कुछ मेन्यूज लिंक्स आ रही होती हैं, वो नेविगेशन बार होता है। और ये लिस्ट आइटम्स जो हैं ये 95% नेविगेशन को क्रिएट करने में काम आती हैं, तो उसका ये फायदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए या समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और समझा दूंगा मजीद। अब अगली वीडियो में मैं सीएसएस स्टाइलिंग शुरू कर रहा हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो कैस्केडिंग पर मैं आ रहा हूँ। अगर जो एचटीएमएल एलिमेंट्स मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो मैं सीएसएस के साथ कंप्लीट करूँगा। सही है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया।